ग्वालियर कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह के निर्देश में मार्गदर्शन में बुधवार को शिशु लिंगानुपात शुद्धिकरण हेतु धर्मगुरुओं का सम्मेलन एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी ग्वालियर डॉक्टर आर के राजौरिया ने बताया कि ग्वालियर जिले में बेटा बेटियों के अंतर को कम करने हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय थाटीपुर के सभागार में धर्मगुरुओं का सम्मेलन का आयोजन किया गया। उक्त बैठक में PCPNDT एक्ट सलाहकार समिति के सदस्य डॉक्टर बिंदु सिंगल के द्वारा बैठक में उपस्थित विभिन्न समुदाय के धर्मगुरुओं को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि 2011 के सर्वे के अनुसार हमारे जिले के ग्वालियर में लिंगानुपात 862 प्रति 1000 है एवं शिशु लिंगानुपात 840 प्रति 1000 है, जो कि भारत एवं मध्य प्रदेश के जो आंकड़े हैं उनमें सबसे कम है। जिससे सुधार हेतु मध्य प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग के साथ महिला लोकास के द्वारा कई कार्यक्रम पृथक एवं संयुक्त रूप से चलाए जा रहे हैं। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आर के राजौरिया ने कहा कि हमें बेटा बेटी के अंतर को खत्म करना है, इसमें हमारे सम्मानित धर्मगुरुओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। महिला बाल विकास अधिकारी राहुल पाठक ने बताया कि सभी समुदाय के लोगों के अपने अपने धर्मगुरु होते हैं जिनका उनके जीवन में विशेष महत्व और स्थान होता है। उनके द्वारा जो भी संदेश दिया जाता है वह बहुत प्रभावकारी होता है। शिवदेनारायण धाम सिरसा घाटी गांव से पधारे शीतलदास महाराज के द्वारा उक्त बैठक में अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि हमारी भारतीय संस्कृति में महिलाओं का विशेष स्थान है। प्राचीन काल में कई वीरांगनाओं ने पुरुष योद्धाओं के समान रण क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। संत कृपाल सिंह महाराज ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम होते रहते हैं उनको सब जानते हैं। और सब आपने जो कार्यक्रम का है उसमें भी एक लाइन है, दो शब्द और बोले, दो शब्द बोल रहे हैं इस बारे में कि बेटी को बचाना है कि दूसरे में तो हमारा शपथ दिलाएं कि हम नहीं करेंगे। आने वाले सभी कार्यक्रमों में जो आखिरी लाइन होगी वो मूल विधान के हिसाब से बहुत फिर भी लगे हाँ